सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनए फ्रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे कि एनए फ्रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। ये डिमॉर्गन थ्योरम का टॉपिक्स है और डिमॉर्गन थ्योरम का प्रूफ मैं एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं एनए फ्रूट्स ऑफ यूनिटी। तो उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ फॉर्मूलाज है जिसको जानना जरूरी है। तो पहले उस फॉर्मूला को देखिए, मैं फिर बाद में बताऊंगा कि एनए फ्रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो एक जीपी में होता है। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले को। ऑल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1 बाय एन इज गिवन बाय दिस। आप जानते हैं डिमॉर्गन थ्योरम से कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन, अगर एन पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है तब ये मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल में, यानी cos n थीटा प्लस i sin n थीटा हो जाता है। और अगर n कोई फ्रैक्शनल नंबर रहे तो इसका कई एक वैल्यू होता है, उसमें से एक वैल्यू ये होता है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए पावर फ्रैक्शनल नंबर है 1 बाय n, तो 1 बाय n का n वैल्यू होगा टोटल, इसका टोटल n वैल्यू होगा। वो सारे वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। cos 2r pi plus theta divided by n प्लस आई साइन टू आर पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय एन, जहां आर का वैल्यू 0, 1, 2 से लेकर के एन माइनस 1 तक होगा। अगर आर 0 पुट करेंगे तो एक वैल्यू मिल जाएगा, 1 पुट करेंगे तो दूसरा वैल्यू मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो तीसरा वैल्यू मिल जाएगा, इसी तरीके से एन माइनस 1 पुट करेंगे तो एन एच वैल्यू मिल जाएगा। तो इस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1 बाय एन का एन वैल्यू होगा, उस सभी वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए 1 टू द पावर 1 बाय n निकालना है। अब 1 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 0 प्लस i sin 0, इसको cos 0 का वैल्यू होता है 1 और sin 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा 1। तो हम लोग 1 को लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 1 टू द पावर 1 बाय, मान लीजिए 3 निकालना है। सपोज कीजिए मैं अभी क्यूब रूट के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 का क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट निकालते हैं हम लोग, 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0 और 2 द पावर 1 बाय 3। अब इस फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग। तो इस फार्मूला से अभी पढ़ चुके हैं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा 2 द पावर 1 बाय n है, तो इसका टोटल वैल्यू हम लोग लिखते हैं cos 2r pi plus theta, theta की जगह 0 है, divided by n। अब 1 by n की जगह देखिए यहाँ पर 1 by 3 है, मतलब n के जगह 3 हो गया। तो cos 2r pi plus theta divided by n plus i sin 2r pi plus theta, theta की जगह 0 divided by n, n की जगह 3, जहाँ r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू 0, 1 n माइनस 1 तक होता है। तो n माइनस 1, n के जगह यहाँ पर 3 है तो n माइनस 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 0, 1 और 2 ये तीन वैल्यू आर का वैल्यू। तो ये आप देखिए cos 2r pi plus 3 divided by 3 plus ये 0 ऐड करेंगे तो 2r pi plus i sin 2r pi divided by 3, जहाँ पर r का वैल्यू 0, 1, 2 ये। अब हम लोग अगर इसका सभी वैल्यू लिखें तो आप यहाँ पर देखिए 1 टू द पावर 1 बाय 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग r की जगह 0 पुट करते हैं, तो r की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, cos 0 plus i sin 0। फिर हम लोग पुट करते हैं r की जगह 1 पुट करते हैं, तो r की जगह 1 पुट करने से कितना आएगा, cos 2 pi divided by 3 प्लस आई साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब फिर आर की जगह हम लोग 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो ये हो रहा है कॉस 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस वैसे ही आई साइन 4 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो आर का वैल्यू एक बार 0 पुट कर दिए, एक बार 1 पुट कर दिए और एक बार 2 पुट कर दिए, और वो तीनों वैल्यू हम लोग वहां पर लिखे हुए। अब देखिए cos 0 plus i sin 0 का वैल्यू 1 होता है, ये मैं अभी बता चुका हूँ।
2 पाई बाय 3 120 डिग्री हो गया और cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 प्लस i sin 120 डिग्री जिसका वैल्यू √3/2 और यहां पर cos 4 पाई बाय 3 240 डिग्री आप cos 240 डिग्री का वैल्यू देख सकते हैं ये भी -1/2 और sin 240 डिग्री का वैल्यू -i √3/2 होता है। तो ये 1 रहने दीजिए, इसको 2 यहां एलसीएम ले लेते हैं तो -1 प्लस i √3 हो गया और यहां पर भी हम लोग 2 एलसीएम ले लेते हैं तो -1 -i √3 हो गया। तो आपको पता होगा कि ये ओमेगा से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े होंगे कि ये ओमेगा होता है और ये ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकल गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 3 वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोग कैसे निकाले हैं, इस फार्मूला का यूज किया है और इस फार्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं फाइंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है उसके बारे में या कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले 1 का nth रूट निकालना है तो 1 को लिख सकते हैं cos 0 plus i sin 0, मैं भी बता चुका हूं, और इसका पावर 1/2। अब फार्मूला cos 0 plus i sin 0 का पावर 1/2 वाला फार्मूला मैं जो बताया हूं cos थीटा plus i sin थीटा 2 टू द पावर 1/2 का वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो उस फार्मूला से लिख सकते हैं cos 2r pi plus थीटा, थीटा की जगह 0 है, डिवाइडेड बाय n plus i sin 2r pi प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n, जहां r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू 0 1 2 से लेकर के n माइनस 1 तक हो। तो ये कितना हो गया, आप देखिए cos 2r pi डिवाइडेड बाय n 0 ऐड करने पर और प्लस i sin 2r pi डिवाइडेड बाय n, जहां पर r का वैल्यू 0 1 2 से लेकर के n माइनस 1 तक। तो ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया, r का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकल जाए। तो ऑल वैल्यूज ऑफ 1 टू द पावर 1 बाय n आर गिवन बाय, या r लिखिए ऑल वैल्यूज ऑफ 1 टू द पावर 1 बाय n आर कौन-कौन सा होगा। सबसे पहले हम लोग r की जगह 0 पुट करते हैं, cos 0 plus i sin 0 होगा, फिर r की जगह 1 पुट करते हैं यहां पर तो ये हो जाएगा cos 2 pi by n plus i sin 2 pi by n, फिर हम लोग 2 पुट करते हैं r की जगह, 2 पुट कीजिएगा तो ये आएगा cos 2 to the 4 pi 4 pi by n plus i sin 4 pi by n dot dot। इसी तरीके से लास्ट में हम लोग n minus 1 पुट करते हैं तो ये आएगा cos 2 to the 2 into n minus 1 pi divided by n plus i sin 2 into n minus 1 pi divided by n। ये सारा वैल्यू अलग अलग हम लोग लिख लिए। अब देखिए दैट इज, इसको क्या करते हैं, cos 0 plus i sin 0 का वैल्यू 1 है और 1 होता है इसका, इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं cos 2 pi by n plus i sin 2 पाई बाय n, फिर इसको देखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं cos 2 पाई बाय n plus i sin 2 पाई बाय n और इसका पावर 2 लिख देते हैं। डिमावर थ्योरम से आप लोग को पता होगा कि ये पावर 2 एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 2 जा 4 पाई बाय n हो जाएगी। इसी तरीके से डॉट डॉट हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n और इसका पावर n माइनस 1 कर देते हैं। देखिए पावर n माइनस 1 जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आ जाएगा 2 into n माइनस 1 पाई बाय n आ जाएगा। उसी तरीके से यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, डिमावर थ्योरम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये कितना आ गया 1, इसको हम लोग ओमेगा मान लेते हैं, ये यही चीज यहां पर है, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और डॉट डॉट इसी तरीके से वो हो जाएगा ओमेगा टू द पावर n माइनस 1, जहां हम लोग ओमेगा किसको मान रहे हैं, ओमेगा मान रहे हैं cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n, इसको ओमेगा मान रहे हैं। तो
nth roots of unity का total value इतना हो गया, ये total n value है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए, therefore nth roots of unity आर कौन कौन सा आ गया, एक वन आया, दूसरा ओमेगा आया, तीसरा ओमेगा स्क्वायर आया, डॉट डॉट ओमेगा टू द पावर एन माइनस वन हो गया, तो ये टोटल वैल्यू निकल गया। और आप देखिए यहाँ पर कि ये जीपी में है या नहीं, सेकेंड में फर्स्ट को डिवाइड कीजिए, ओमेगा बाय वन ओमेगा आता है, थर्ड में सेकेंड से डिवाइड कीजिए, ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा, कितना आता है, ये कट करके ओमेगा आ रहा है। तो इस तरीके से रेशियो जो है इक्वल आ रहा है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड, रेशियो इक्वल आ रहा है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गया, जीपी में हो गया, और कॉमन रेशियो ओमेगा है यहाँ पर। तो विच आर इन जीपी, आप कह सकते हैं कि विच आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो आ रहा है कॉमन रेशियो ओमेगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि nth roots of unity जो होता है वो जीपी में होता है और उसका कॉमन रेशियो ओमेगा होता है। ओमेगा क्या है, ओमेगा है cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n। तो ये फ्रेंड्स, ये हो गया nth roots of unity, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस डिमावस थ्योरम चैप्टर में जरूरत पड़ता है, मैं उसको जरा बता रहा हूँ। जैसे मैं अभी एक बताया था कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस i sin 0, तो ये एक रिजल्ट हो गया। दूसरा माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में देखिए, माइनस वन को लिख सकते हैं cos पाई प्लस i sin पाई। कैसे, cos पाई का वैल्यू माइनस वन होता है और sin पाई का वैल्यू जीरो होता है, लास्टली क्या रहा है, माइनस वन। तो माइनस वन को cos पाई प्लस i sin पाई लिख सकते हैं। अब फिर थर्ड देखिए, i को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2। यहाँ पर आप अगर वैल्यू लिखेंगे तो इसका वैल्यू आई ही आएगा। कैसे, cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0 और sin पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये लास्टली क्या आ गया, आई आ गया। तो आई को आप क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2। इसी तरीके से फोर्थ में देखिए, माइनस आई इक्वल टू, अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये माइनस आई आ जाएगा, cos पाई बाय 2 माइनस i sin पाई बाय 2। फिर एक और रिजल्ट देखिए, 1 प्लस i को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 2 cos पाई बाय 4 प्लस i sin पाई बाय 4। ये देखिए आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो यही आएगा। कैसे, रूट 2 रहने दीजिए, cos पाई बाय 4 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 और sin पाई बाय 4 का वैल्यू 1 बाय रूट 2। ये रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा 1, और यहाँ भी रूट 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा i। तो ये इसका वैल्यू लास्टली क्या आया, 1 प्लस i। इसी तरीके से हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, ये अगर 1 माइनस i रहा तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू cos पाई बाय 4 माइनस i sin पाई बाय 4, तो इसको भी लिखा जा सकता है। इसके बाद कुछ और कोरोलरीज है डिमावस थ्योरम का, मैं उसको बता रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं फिर उसकी चर्चा करता हूँ। आप ये डिमावस थ्योरम से जानते हैं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर अगर n रहे तो ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि cos n थीटा प्लस i sin n थीटा हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस रहे तब क्या ये रूल फॉलो होगा, ये ऐसा होगा, जरा इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये cos थीटा को लिखते हैं cos ऑफ माइनस थीटा, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, और इसको लिख जाते हैं प्लस i sin माइनस थीटा, sin माइनस थीटा का वैल्यू माइनस sin थीटा होगा तो ये आ जाएगा, और इस पूरे का पावर n। अब ये तो डिमावस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n के फॉर्म में आ रहा है, तो ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos माइनस n थीटा प्लस i sin माइनस n थीटा, और cos माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा ही, और sin माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस sin थीटा, तो यहाँ पर माइनस कर दिए हम लोग। तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर बीच में माइनस भी रहे, प्लस i की जगह माइनस i भी रहे, और अगर पावर n रहे तो वो भी एंगल में मल्टीप्लाई हो जाए। तो एक ये रिजल्ट हो गया। एक रिजल्ट ये देखिए, ये भी बहुत जगह हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं,
ये cos थीटा plus i sin थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos थीटा minus i sin थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और cos थीटा minus i sin थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी cos थीटा minus i sin थीटा से। तो देखिए ऊपर जो का क्यों रहने दीजिए cos थीटा minus i sin थीटा, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं a plus b into a minus b के फॉर्मूला से, a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा minus b स्क्वायर means i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर जो का क्यों रहने देते हैं cos थीटा minus i sin थीटा, और नीचे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा और i स्क्वायर का वैल्यू माइनस और खुद माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर cos थीटा minus i sin थीटा और डिवाइडेड बाय 1, तो एक रिजल्ट आ गया। कौन सा रिजल्ट आया? 1 बाय cos थीटा प्लस i sin थीटा अगर रहे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा minus i sin थीटा। तो अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा नीचे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अगर नीचे भी माइनस रहे cos थीटा minus i sin थीटा रहे तो ये ऊपर जाकर के हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग डिमोर्गस थ्योरम का सवाल बनाने में यूज करते हैं, और मैं डिमोर्गस थ्योरम का कुछ सवाल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो को इस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ये जो ऊपर में दो वीडियो दिख रहा है आपको, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।